अक्षय कुमार देश की भलाई से जुड़े हर मुद्दे पर आगे रहते हैं, चाहे वो हमारे देश की आर्मी से जुड़ा मामला हो या फिर विमेन से जुड़ा हो। और इस बार भी उनका एक और काम हर जगह नाम कमा रहा है, वो है राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा। जी हाँ, देश के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दे के साथ अब खिलाड़ी कुमार का नाम जुड़ने लगा है। लेकिन क्यों? दरअसल फेसबुक पर पीएम नरेंद्र मोदी और अक्षय की एक पिक्चर अभी हाल ही में वायरल हो रही है, जिसमें अक्षय कुमार को सलाम करते हुए दावा किया जा रहा है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए दान किए हैं। देखिए इस वायरल पिक्चर को। ठाकुर भूपेंद्र सिंह राजपूत RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के एक आदमी ने, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अक्षय ने राम मंदिर के लिए इतनी बड़ी रकम दी है। वेल, अगर ये खबर सुनकर आप भी खुश होने लगे हैं और अक्षय को वाहवाही दे रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, पहले जरा सुन लीजिए इस खबर की पूरी सच्चाई। तो अकीम साहब को बता दें कि ये खबर पूरी तरह से गलत है और झूठी है, क्योंकि जब इस पिक्चर की असली कहानी हमने खोजी तो सामने आया कि ये पीएम मोदी के साथ अक्षय की काफी पुरानी पिक्चर है। और यहाँ तक कि अक्षय के सोशल मीडिया पर भी इस तरह की इनिशिएटिव लेने की कोई खबर नहीं है। इसका मतलब ये खबर पूरी तरह से फेक न्यूज है। ये पिक्चर उस टाइम की है जब अक्षय अपने फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के सिलसिले में पीएम मोदी से मिले थे, और खुद अक्षय ने भी इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी थी। खैर, माना अक्षय सभी के पसंदीदा स्टार है, लेकिन किसी के बारे में भी बेबुनियाद अफवाह फैलाना सरासर गलत है। खैर, इस पूरी फेक न्यूज पर आपका क्या कहना है, जरूर दीजिएगा अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में।